हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है जी ब्लीच पर। जो ब्लीच मैं अपने फेस पे, हैंड पे और नेक पे लगाती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए आपके। सो गाइस, ब्लीच बनाने के लिए हमें चाहिए ये ब्लीच का पाउडर है जो कि मैंने पहले यूज़ किया है, बाकी इसमें आज वाली ब्लीच में यूज़ होगा। ये ओलिविया की ब्लीच है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, तो आज आप लोगों से भी शेयर करूँगी। ये मैदा है, ये रोज़ वाटर है और ये है जी दूध, और ये कटोरी जिसमें हम ब्लीच बनाएंगे। प्लेन कटोरी मैंने ले ली है जिसमें हम ब्लीच बनाएंगे। पहले तो हमने ये दूध लिया है, इस दूध के 2 स्पून हम इसमें डाल देंगे। भर भर के इतने नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे। उसके बाद जी हम लेंगे 1 चमची मैदा, 1 चमची मैदा उसी दूध में हम ऐड कर देंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये देखिए, इसके अंदर हम डालेंगे। अब हम ब्लीच डालेंगे। अगर फेस पे ही करनी है सिर्फ, तो फेस के हिसाब से लेंगे। सिर्फ आधी चमची लिया है मैंने, 1 चमची भी आप ले सकते हैं, जितना बड़ा मुंह है उस हिसाब से ले सकते हैं। और अगर पैर पे, हाथों पे, गले पे, सब पे लगाने हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम इसका पाउडर डालेंगे। पाउडर भी हम हिसाब से डाल लेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल हाफ से हाफ। इसको पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया। हर ब्लीच में केमिकल होता है ज़्यादा। दूध और मैदा हम इसीलिए ब्लीच में ऐड करेंगे ताकि इसकी जो केमिकल है उसकी तासीर थोड़ी कम हो जाए। और इसमें ऐड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोज़ वाटर। फेस के हिसाब से ब्लीच रेडी हो गई है। इतनी ही मैंने बनाई है क्योंकि मेरे फेस पे ये आ जाएगी पूरी। अब आती हूँ जी मैं अपने बाल बांध के, ताकि हम लोग ब्लीच लगा सकें। तो हमारी ब्लीच रेडी है जो हमने बनाई थी, अब इसको बस फेस पे अप्लाई करना है। इसमें बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, वरना जो दूसरी ब्लीच हम लगाते हैं वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि आँखों में से आंसू आ जाते हैं और आंखें ऐसे 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 हो रही होती है। अच्छा, जिसको थोड़ा सा एलर्जी है ब्लीच से या उनके गाल जो है वो रेडिश हो जाते हैं, तो वो पहले थोड़ी थोड़ी वैसलीन इस हिस्से पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप ब्लीच लगा सकते हैं। मेरा फेस थोड़ा इतना कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो ये जो ब्लीच थी वो बच गई है। अब मैं इसको नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी। इस ब्लीच का रिजल्ट यकीन माने आउट क्लास है। जो जो मेरी वीडियो ये देखेगा और अगर वो ये ब्लीच अप्लाई करेगा तो इंशाल्लाह मुझे दुआ में याद भी रखेगा। क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा मज़े का है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपने 3 चीज़ें इसमें ऐसी ऐड की हुई होती हैं जो आपके फेस को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगी, लाल नहीं करेंगी। माथा इतना सा समझ नहीं आता कि कैसे इसको लगाया जाए, तो मैं छोड़ ही देती हूँ आधा। सो फाइनली ब्लीच पूरी तरह लग गई है, ये बाल हो गया है। जो ब्लीच बनाई थी सब यूज़ कर लिया है मैंने। अब इसको 5 मिनट में छोड़ूंगी अपने फेस पे। 10 मिनट भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इसका कोई मसला नहीं। दूसरी तरफ मैंने ये बाउल रेडी कर लिया है अपनी ब्लीच साफ़ करने के लिए। थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा गर्म पानी है, ठंडा गर्म पानी है। दूसरी तरफ ये है जी पफ जो मैं कल लेकर आई थी। 100 रुपये में मुझे ये 2 मिल गए थे, मैं ले आई थी। एक येलो एक पिंक है, तो इसको आज यूज़ करते हैं। अब ब्लीच को साफ़ करने का टाइम आ गया है। पिंक और येलो में वाओ, इसमें तो डबल पैकिंग हुई है। बाहर की तरफ से भी पैकिंग थी और अंदर की तरफ से भी पैकिंग है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, और 100 रुपीज़ में 2 है, यानी 50 का एक, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बुरा नहीं है।
यूज़ करके, दो तीन दफ़ा भी यूज़ करके अगर फेंक देंगे तो इतना बुरा नहीं है। सो गाइस, ब्लीच हमारी कंप्लीट हो गई है, फेस वॉश हो गया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी कि ब्लीच जो है वो सॉफ्ट टच की हो, ओलिविया की हो, कोई से भी ब्लीच आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर। अगर आप उसमें रोज़ वाटर, दूध और मैदा उसमें ऐड कर लें, उसके केमिकल की तासीर जो है वो बहुत कम हो जाएगी। जब आप फेस पे, हाथ पे कहीं भी अप्लाई करेंगे तो वो इतनी जलन, इतनी रेडिश, ये सब कुछ भी नहीं होगा। ब्लीच करने के बाद ये आइस क्यूब है, मैं इसको मोस्टली अपने फेस पे यूज़ कर लेती हूँ। वैसे भी यूज़ करती हूँ, मगर जब ब्लीच करती हूँ तब भी यूज़ कर लेती हूँ। जिनको ये सूट नहीं करती है वो कपड़े में ऐड करके इस तरह कपड़ा लेकर कपड़े में डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसको कभी वैसे कभी कपड़े में ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा सुकून देती है, इस तरह आँखों पर रख कर ठंडा ठंडी आँखें हो जाती हैं। गर्मियाँ इतनी हैं कि ये फौरन फौरन पिघल रही है। ब्लीच हो गई और आइस क्यूब भी लगा लिया अपने चेहरे पर, अल्लाह का शुक्र है रिजल्ट। और जी, आप लोग भी ज़रूरी अपने घरों में अप्लाई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने जब ब्लीच लगाई तो कैसी रही, कैसा उसका। अब चलते हैं जी वीडियो के एंड पर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, उनको मेरा चैनल अच्छा लगा हो वीडियो। थैंक यू सो मच। अब इंशाल्लाह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।